हेलो गाइस, आज है संडे और संडे को जा रहे हैं हम घूमने। अंकल जी हेलो कर दो। अंकल हेलो कर तू गबरू नू मन जाना मन अलड़े अख बारा गे जी छोटिका ने अलड़े दिलां ते निशाने सदे मार दिया दिलां ते निशाने सदे मार। तो गाइस हम जा रहे हैं आज घूमने और हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे पहले एक स्विमिंग पूल है 29 सेक्टर में। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि हाँ बिगेस्ट और बहुत बेस्ट है। कोई रासा फिटनेस स्विमिंग पूल है आपका 29 सेक्टर में। और उसके बाद अगर हमें टाइम लगा तो हम निकलेंगे सुखना लेक, जो 29 सेक्टर के बिल्कुल ही नज़दीक है, मतलब 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो वहाँ जाकर भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ का व्यू। तो फिर मिलते हैं वहाँ पे। विजय भाई यहाँ पे लोकल रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किया है ऑलरेडी चंडीगढ़ के, तो ये हमें गाइड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हर चीज में। अंकल का मूड नहीं था इसलिए अंकल नहीं आया। हर बार की तरह अंकल को लगता है कि यूट्यूब है तो नहीं आना और वो इग्नोर कर देते हैं। तो चलते हैं, ऑटो देखते हैं यहाँ से हम, अभी कोई ऑटो मिल जाए। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो हैं साइड में हमारे, आप देख सकते हो। तो हम यहाँ से ऑटो से जाएंगे। यहाँ पे तो फिलहाल हमारे पास चीज तो है नहीं। अरे भाई पूछ लेते ऑटो वाले को, गर्मी भी बहुत हो रही है तो ऑटो वाला सोया था पीछे, आगे देखते हैं कोई मिलता है तो हमें। हमने ऑटो बुक कर लिया है अभी और हम जा रहे हैं 27B में, एक स्विमिंग पूल है वहाँ पे। और भाई साहब है हमारे साथ ऑटो वाले। कितने देर में पहुंच जाएंगे हम वहाँ पे? 15 मिनट में पहुंचा देंगे हम आपको वहाँ पे, ऐसा बोल रहे हैं। और इनका रेट भी जायज है आपका। तो आज चंडीगढ़ में गर्मी बहुत है इसलिए हमारा मूड हुआ कि आज संडे भी है और इतने दिनों से हम अपने काम में व्यस्त थे तो आज थोड़ा एंजॉय करने के लिए हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। ह्यूमिडिटी भी बहुत है और गर्मी का टेम्परेचर शायद 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा अभी, तो इससे तो अंदाजा लगा ही सकते हैं हम कि गर्मी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ अच्छा है। और उसकी जो हमने रिव्यू वगैरह पढ़े जाने से पहले तो काफ़ी अच्छे रिव्यू थे, तो इसलिए हमने सोचा कि वहीं जाकर हम विजिट करेंगे और वहीं जाकर हम अपना स्विमिंग करेंगे। तो हम टाइम से तो पहुंच गए यहाँ पर, ऑटो वाले भाई ने हमें टाइम से पहुंचा दिया। पर जब यहाँ हम पहुंचे तो उन्होंने बोला हमें कि जो अभी स्विमिंग पूल बंद है 1 घंटे के लिए, तो हम यहाँ पर 3:20-21 पे पहुंचे थे। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं अब
और हमारे साथ बहुत सारे मित्र भी हैं हमारे जो यहाँ पर स्विमिंग का एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर आधा घंटा, उसके बाद ये मंदिर जा पाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर बगीचा है, आगे गार्डनर है, यहाँ पे बहुत सुंदर बगीचा है। तो गर्मी इतनी होके रखी है कि यहाँ पर बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो गाइस थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं और उसके बाद में हम अंदर चलेंगे।
भाई रास्ते में तो लोग मिलते हैं, ये भाई हमें पानी में मिल गए। ओ भाई साहब, यहाँ पे हम तैर रहे, कोशिश कर रहे हैं भाई, भाई है। और ये भाई साहब भी है, कहीं मेरा फोन ना डुबा दे, इतनी भीड़ लगी है। हेलो ब्रदर। अरे भाई साहब कौन है? हाँ भाई साहब, ये बात तो हमारे सभी भाई लोग हैं जिनके साथ हम यहाँ पे सुन रहे हैं। क्या बात है, ये अपनी बॉडी दिखा रहे, सिक्स में आ गए हैं। आज तो नहीं दिखे नहीं है, भाई साहब शोल्डर दिखे बस। चलते हम पानी से बाहर। चलो तो यहाँ पे हमारा टाइम हो गया है, टाइम आउट, और हम बाहर जा रहे हैं चलने। और सभी भाई भाई लोग को बाय बोलते हैं, तो बाय 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 बाय। तो चलते हैं अपन लोग यहाँ से बाहर, बस हमारा टाइम हो गया है और बुला रहे हैं हम। तो भाई हमने रोड पे तो बनाया है ब्लॉग, पानी का ब्लॉग आपको कैसा लगा, वाटर टैंक का वीडियो कैसा लगा बता देना। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी बाहर जाने का टाइम हो गया है और हम बाहर जा रहे हैं, तो मिलते हैं। यहाँ पे पानी में आवाज नहीं आती है, तो भाई को भी बाहर बोलते हैं, बाय भाई, बाय 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 सभी। तो चलते गाइस, निकलते पानी के बाहर यहाँ से बढ़िया से, और बस 2 मिनट में यहाँ से हम बाहर निकलने वाले। बढ़िया, यहाँ पे हमने स्विमिंग की और देखा कि यहाँ पे चंडीगढ़ में किस तरीके का यहाँ पे सबसे बड़ा ये टैंक आपको मिलेगा, काफ़ी बड़ा चौड़ा यहाँ पे। और निकलने वाले अभी यहाँ से, क्या हो गया, 4 बजे आए थे। तो गाइस अभी हम स्विमिंग पूल से बाहर आए और हमारा टाइमिंग हो चुका है, जो भी हमारा सामान था हमने ले लिया और जस्ट हम स्विमिंग पूल के बाहर आ गए और विजय भाई हमारा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है जो स्विमिंग पूल में है। और चलते हैं गाइस, अब देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, फॉरेन के टूरिस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। काफी भीड़ होती हुई और भीड़ बढ़ती हुई, तो चलते हैं गाइस बाहर और यहाँ से हम क्या हमारा क्या प्लान है ये पूछेंगे हम विजय को, और यहाँ से हम बाहर निकलते हुए। बढ़िया प्लेस है, एक बार जरूर विजिट करना आप सभी। यहाँ पे एक आपको पार्क भी मिलेगा बढ़िया सा, ये जो स्विमिंग पूल है इसके बगल में यहाँ पे एक पार्क है, और इस पार्क के बगल में ही यहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगी वेटिंग रूम के लिए। यहाँ पे कुछ खा लेते हैं हम, काफी भूख लगी हुई है। मोमोज यहाँ पे मिलेंगे हमको बढ़िया से, मंचूरियन कौन सा है भाई। तो यहाँ से हम अपने घर के रास्ते जाते हुए, ये विजय भाई यहाँ पे बैठे हैं, अभी उन्होंने मोमोज खाए हमारे घर की तरफ जाते हुए। Thank you.
मैं आज विजिट किया अब चंडीगढ़ प्रेस क्लब स्विमिंग पूल को, और वहाँ पे हमने स्विमिंग की, और अभी हम अपने घर के रास्ते जाते हुए। तो आशा करते, उम्मीद करते दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, कि तो अभी अभी हम यहाँ से हम निकल रहे हैं घर को, जो हम स्विमिंग पूल है वहाँ पे हम नहाया, और एक दो मिनट हम यहाँ इनसे बात करते हैं। मेरा नाम बाबूलाल है। ओके, और आप ये कब से करते हैं ऑटो का बिजनेस? मेरा 9 साल हो गए। और हम अभी यहाँ प्रेस क्लब गए हुए थे, तो आपको क्या जानकारी है उसके बारे में? जानकारी क्या, वहाँ जैसे कोई नेता लोगों की मीटिंग वगैरह होती है, वैसे प्रेस क्लब बना हुआ है, वैसे मीटिंग वगैरह होती है, और कोई प्रोग्राम वैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं, उसी में ये स्विमिंग पूल है, नहाने वहाने आते ही है पता। और तो कोई भीड़ रहती है वहाँ पे? आपने देखी है भीड़ वगैरह? नहीं, हरदम तो नहीं होती है, कभी करार होती है। ये फेमस है चंडीगढ़ का नंबर वन स्विमिंग पूल, कहा जाए तो गलत तो नहीं है? मैंने नेट पर देखा था कि ये चंडीगढ़ का सबसे नंबर वन स्विमिंग पूल आता है। हाँ जी, नंबर वन है जी, आता है 29 में है, एक 26 में है, 3 तो मुझे पता है ये, और नंबर 1 में ये आता है। हाँ जी, प्रेस क्लब वाला। हाँ जी, हाँ जी। तो देख रहे हो दोस्तों, हमने जो विजिट किया है वो चंडीगढ़ का नंबर वन स्विमिंग पूल है, और आपका थैंक यू, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। वेलकम सर। तू गबरू नू मन जाना मन यलड़े, अख बारांगे जी शॉट गन यलड़े, दिलां ते निशाने सिद्धे मार दिया, दिलां ते निशाने सिद्धे मार दिया।